हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुजर रहे हम सबके बीच के अपने भाई आदरणीय कुलदीप शेखर जी हम सबके बीच में नहीं है, इन्हीं कारणवश समय का कालचक्र कहा जाएगा। लेकिन फिर बलात्कार के आरोपी का एकमात्र भाजपा विधायक दोस्त, जनसभा में छलका विधायक आशीष सिंह का सेंगर के लिए दर्द, बड़े भारी मन से करुणा के साथ कुलदीप को बना दिया बेचारा। बुरे वक्त की वजह से हमारे प्रिय भाई कुलदीप जेल में है। जिस कुलदीप सिंह सेंगर पर पूरा हिंदुस्तान थू थू कर रहा है, जिसके लिए हर मुंह से बस एक आवाज निकल रही है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें नारे लग रहे हैं कि बलात्कारी को फांसी की सजा दो, जिस कुलदीप सेंगर पर पीड़ित परिवार की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है और जिस कुलदीप सिंह सेंगर को खुद भाजपा बर्खास्त कर चुकी है, उसी दुष्कर्म आरोपी का पूरे देश में एकमात्र हमदर्द भी है और वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा का ही विधायक है जिनका नाम आशीष सिंह है। और कुलदीप सिंह सेंगर के हमदर्द ये नेताजी मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक भी हैं। एक बलात्कारी के लिए इनकी करुणा एक बार फिर से सुन लेते हैं और गौर से सुनते हैं कि वो जिस पर पूरा देश लानत भेज रहा है, उसी हत्यारे की परेशानी से विधायक आशीष सिंह का दिल कितना भारी है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अयुग का भी प्रयास करेगा अपनी कार्य समीक्षा, हम कंचन है कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। ऐसे कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हम सबके बीच के अपने भाई आदरणीय कुलदीप शेखर जी हम सबके बीच में नहीं है, इन्हीं कारणवश समय का कालचक्र कहा जाएगा। लेकिन फिर भी हम सबकी शुभकामनाएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी समय खराब है, उन सबसे लड़कर वो निश्चित तौर से आप सबके बीच में आप सबका नेतृत्व करने पहुंचेंगे, ऐसी शुभकामना के साथ और अपने अध्यक्ष जी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। इतना दर्द, इतनी करुणा, इतनी फिक्र एक दुष्कर्म आरोपी के लिए और वो भी भाजपा विधायक के मुंह से, ये तो किसी भी तरह से गले नहीं उतरता। और ये नहीं समझ आ रहा है कि दिल भारी करके जिस तरह भाजपा विधायक ने कुलदीप सिंह की तारीफ की, उन्हें बेचारा और मुसीबत ज़दा कहा, ये बात वहाँ जनसभा में मौजूद लोग कैसे पचा पाए होंगे। और जब विधायक आशीष सिंह का हत्यारे के लिए दर्द पार्टी आलाकमान तक पहुँचेगा तो उन्हें कितना दर्द होगा, और फिर उसके बाद इन पर जो कार्रवाई होगी तब इन्हें कितना दर्द होगा, ये हम और आप बखूबी समझ सकते हैं। जनसभा में सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के बावजूद एक घोर अपराधी की तरफदारी करने के पीछे क्या वजह रही, ये तो नहीं पता, लेकिन उनका दर्द इतना था कि बस आंसू छलकने की देर थी। शायद भीड़ में बैठे कुछ लोग तो यही कह रहे होंगे, बस कर पगले, रुलाएगा क्या।